साथियों, PFMS पोर्टल में समग्र शिक्षा से प्राप्त सभी मदों का राशि को वेंडर को भुगतान करने के लिए जब आप बल्क कस्टमाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर दिस अकाउंट इज नॉट फ्लैग्ड फॉर ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो आज का इस वीडियोज में मैं आपको बताऊँगा कि आप बड़ी ही आसानी से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो बताने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। अपने संस्था का PPA को एक्टिव करने के लिए PFMS का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन में क्लिक करके स्कूल का एडमिन मोड में लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से यह इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बैंक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको स्कीम को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया विंडोज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको समग्र शिक्षा लिखना है। आप यहाँ पर समग्र शिक्षा लिखने के बाद में इसका कोड को भी एंटर कर सकते हैं। अब साथियों, यहाँ पर समग्र शिक्षा 7979 इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में अकाउंट नंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका जो खाता नंबर है उस खाता नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर खाता नंबर को भी एंटर कर देते हैं। खाता नंबर को सेव करने के बाद में यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर हमारे बैंक का पूरा डिटेल को दिखाया जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, यहाँ पूरा डिटेल रहता है। यहाँ पर हमको अकाउंट एक्टिवेशन टाइप इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद में टिक मार्क करने के बाद में सबमिट कर देंगे। हम यहाँ पर जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आई कन्फर्म दैट करेक्ट अकाउंट हैज बीन इनेबल्ड, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग लेता है। हमको प्रोसेसिंग कंप्लीट होने तक वेट करना है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर अब हमने यहाँ पर हमारा अकाउंट को PPA जारी करने के लिए एक्टिव कर दिया है। इस प्रकार से अब 5 से 10 मिनट के बीच में हमारा यह जो काम है यह काम पूरा हो चुका है। साथियों, इस प्रकार से हमने दिस अकाउंट इज नॉट फ्लैग्ड फॉर ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस का ऑप्शन को सॉल्व कर लिया है और इसको सॉल्व करने के बाद में अब हमारा अकाउंट में अब इस प्रकार से ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस का ऑप्शन इनेबल हो गया है।